ओके जी, हम शुरू करते हैं अपना पार्ट टू ऑफ दिस लेक्चर। तो हम देख रहे थे नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को, और इसमें हम कवर कर रहे थे लेयर्स को। तो अब होगा ये कि हम बात कर रहे थे कि जो हर लेयर है वो अपना रैप ऊपर से मिलने वाली जो लेयर से जो पैकेट की इंफॉर्मेशन मिलती है उसके ऊपर एक अपनी रैपिंग करके अपना हेडर ऐड कर देती है। दूसरा, होते 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 जब हमारे पास इस फिजिकल लेयर के इस लॉजिकल लेयर के ऊपर जो हम पहुंचेंगे लिंक लेयर के ऊपर, तो यहाँ तक हमारे पास एक पूरा रैप्ड पैकेट आ चुका होगा जिसमें इंटरनली, जिस हम फॉर एग्जांपल अगर हमने एक यहाँ से इसको एक चीज़ पास ऑन की, एक पैकेट पास ऑन किया, तो ये उसको अपने लिफाफे में पैक करेगी और उस पर अपना एप्लीकेशन जो लेयर है उसका एक एड्रेस लिख देगी और उसको उस पैकेट को सिक्स लेयर को दे देगी। वो उस लिफाफे को जो ऊपर से मिला है उसको एक अपने पैकेट में डालेगी सिक्स लेयर वाले, उस पर अपनी सिक्स लेयर की इंफॉर्मेशन लिखेगी और उसको अपने से नीचे वाली लेयर को प्रोवाइड कर देगी। तो इसको जो ऊपर से लिफाफा मिल रहा है उसको ये अपने वाले एक लिफाफे के अंदर डालेगी, उसको सील करेगी और उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन लिख देगी। तो इस तरह से होते होते हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा लिफाफा पहुंचेगा जिसके अंदर एक और लिफाफा होगा, उसके 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 अंदर एक और लिफाफा होगा, और उस लिफाफे के अंदर एक्चुअली डेटा होगा। ठीक है, यहाँ से वो जो फाइनल फिजिकल लेयर के ऊपर जो डाटा है उसको डिजिटली या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा नेटवर्क के ऊपर। अब क्या होगा, जब ये दूसरे एंड पे पहुंचेगा तो दूसरे एंड पे जो लिफाफा पहुंचेगा ये उसमें से जो सबसे ऊपर वाला पैकेट है उसको खोल लेगा और उसके अंदर से जो भी पैकेट निकलेगा ना अंदर वाला वो उठा के अपने से ऊपर वाली लेयर को दे देगा। ये उस पैकेट को खोलेगी जो कि जाहिर है सेकेंड लेयर वाला पैकेट होगा जो इसने ऐड किया था, और उसके अंदर से जो चीज निकलेगी उसको उठा के इस ऊपर वाले को भिजवा देगी पैकेट। ठीक है, अब ये इसको जो पैकेट मिला है ये उसको खोलेगा, उसके अंदर से फिर एक पैकेट निकलेगा ट्रांसपोर्ट लेवल का, उसको उठा के इसको दे दिया जाएगा, फिर ये उसको खोलेगी, और इस तरह से होते होते ग्रेजुअली जो एक इसको पैकेट मिलेगा जब ये उसको खोलेगी तो उसके अंदर डाटा होगा एप्लीकेशन लेयर के अंदर वाला जो आखिरी पैकेट होगा, तो ये उस पैकेट को उठा के ऊपर भिजवा देगी एप्लीकेशन को और एप्लीकेशन उस डाटा को यूज कर लेगी। तो इस तरह से ये जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो इस लेयर्ड अप्रोच में यूज होती है कि हर लेयर अपने कॉरेस्पॉन्डिंग सेंडिंग साइड की लेयर की भेजी हुई इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करती है और उसकी बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो प्रोसेसिंग होती है वो करके अपने से ऊपर वाली लेयर को वो ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो अब आपका जो प्रोटोकॉल स्टैक होता है उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ये प्योरली नेटवर्क साइड पे चला जाता है तो उसको हम बहुत ज्यादा डीपली जाके डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें होगा क्या कि आपकी एंड यूजर के ऊपर कोई एप्लीकेशन चल रही है, जैसे आपने कोई ब्राउजर खोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपने उस ब्राउजर में इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की है वो उठ के एप्लीकेशन लेयर पे चली जाएगी। अब ये डील करती है फाइल ट्रांसफर को, एक्सेस को, मैनेजमेंट को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, मैसेजिंग को, जॉब ट्रांसफर को, इनकी मैनिपुलेशन को, ये सारे काम आपके एप्लीकेशन लेयर पे हो रहे होते हैं। ये फिर ये सारे काम करने के बाद डाटा भिजवा देती है नीचे वाली लेयर पे जो कि प्रेजेंटेशन लेयर है। ये आपकी सिंटैक्स नेगोशिएशन करती है, डाटा रिप्रेजेंटेशन को चेक करती है, ट्रांसफॉर्म करती है डाटा को, और उसके बाद डाटा भिजवा देती है सेशन लेयर पे। सेशन लेयर देखती है कि कोई डायलॉग सिंक्रोनाइजेशन करनी है, कोई कंट्रोल है एप्लीकेशन के एंटिटीज का, तो उनको सेट करके फिर जो डाटा बनता है फाइनल शेप में वो भिजवा दिया जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक जो चीज थी इसका काम नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं था, नेटवर्क के हवाले से अभी तक कोई चीज ऐड नहीं हुई थी। अभी तक जितनी चीजें थी वो एप्लीकेशन लेवल के ऊपर चल रही थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जो पैकेट सेशन लेयर से नीचे आएगा इसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो अपने एंड टू एंड मैसेज ट्रांसफर के हवाले से जो भी उसको चीज चाहिए होगी, लाइक कनेक्शन की मैनेजमेंट, कोई एरर कंट्रोल, कोई फ्रेगमेंटेशन, कोई फ्लो का कंट्रोल, ये वाली चीजें ऐड करेगी। ये ऐड करने के बाद नीचे नेटवर्क लेयर को देगी, तो नेटवर्क लेयर देखेगी इस पैकेट को भिजवाना कैसे है, इसकी राउटिंग कैसे होगी, ये किस एड्रेस पे जाना है, इसका फ्रॉम एड्रेस क्या है, टू एड्रेस क्या है। ठीक है, ये सारे काम करने के बाद, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद ये उसको नीचे वाली लेयर पे भिजवा देगी। यहाँ पे फिर जो है ना डाटा लिंक कंट्रोल होगा जिसमें इस वाले पैकेट के डिफरेंट फ्रेम्स बनेंगे और वो फ्रेम्स ईसीसी के साथ एरर कंट्रोल चेकिंग के साथ आगे भिजवा दिए जाएंगे फिजिकल लेयर को, और फिजिकल लेयर उसको इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट करेगी और कन्वर्ट करने के बाद वो आगे उसको फिजिकल लिंक के ऊपर जो है भिजवा देगी। ठीक है, अच्छा, तो इसमें वो जो हमने पहले बात की थी कि हर लेयर जो होती है वो अपने से नीचे वाली लेयर का उसमें
हेडर ऐड कर रही होती, अब एक लिफाफा ऐड कर रही होती जिसपे वो इन्फॉर्मेशन होती है जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेयर के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये हमारा एक्चुअल मैसेज था, ये वो टेक्स्ट था, उसको हमने डाला एप्लीकेशन लेयर वाले, उसको उसके ऊपर अटैच हो गया, यानी कि जब फाइनल जो हमारा पैकेट बना था जो फिजिकल लिंक पे गया वो ये वाला था। इसमें से एक्चुअल जो मैसेज ऊपर से आया था वो ये वाला था, इसके ऊपर सबसे पहले इसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर का हेडर लग गया, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर का हेडर लग गया, फिर सेशन लेयर का हेडर लग गया, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लग गया, फिर नेटवर्क लेयर का हेडर लगा, और फिर डेटा लिंक लेयर का हेडर लग के आगे चला गया। जब ये पहुंचेगा तो सबसे पहले डेटा लिंक लेयर उस पे से ये हेडर रिमूव करेगी और ऊपर वाली जो लेयर है उसको भिजवा देगी पैकेट। इतना सा पैकेट जाएगा, ये जो ये वाला हिस्सा, ये वाला पहला वाला कट ऑफ हो जाएगा। फिर वो नेटवर्क लेयर अपनी इंफॉर्मेशन इस जगह से रीड करेगी और उस रीड करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, वो ये वाला हेडर रिमूव करके इस इतने पैकेट को ऊपर भिजवा देगी ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ से अपना डाटा रीड करेगी और उसके बाद इसको डिस्कार्ड करके यहाँ से ऑनवर्ड नीचे तक का पैकेट ऊपर वाली लेयर को भिजवा देगी। फिर इसी तरह अगली लेयर्स अपना अपना पैकेट, अपना अपना हेडर रिमूव करती जाएंगी, प्रोसेस करती जाएंगी उसके अंदर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को, और एंड में जब एप्लीकेशन लेयर के पास चीज़ पहुंचेगी तो एप्लीकेशन लेयर के हवाले से अपनी इन्फॉर्मेशन रीड करके इस हेडर में से ये जो मैसेज है ये फाइनली एंड यूजर तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा कि OSI मॉडल क्या था, कैसे था, इसका क्या रिलेशनशिप था TCIP मॉडल के साथ। ये डिटेल्स आपने अपने बैचलर लेवल के ऊपर भी अच्छी तरह से पढ़ी होंगी। ये वो एग्जांपल है जो कि TCP/IP मॉडल को और OSI मॉडल को कंपेयर कर रही है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो जो नॉर्मली अगर आपका 4 लेयर वाला अगर मॉडल लें तो इसमें क्या होता है, ये देखें, ये यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, इन तीनों के मुकाबले में आपकी ये जो है ना एप्लीकेशन लेयर ही यहाँ पे काउंट हो रही होती है। ठीक है, तो ये तीनों काम जो यहाँ पे इन्होंने OSI मॉडल में अलग अलग डिफाइन हुए होते हैं वो तीनों काम यहाँ पे एक ही लेयर में डिफाइन होते हैं। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, यहाँ नेटवर्क लेयर है तो यहाँ पे भी नेटवर्क लेयर होती है, और यहाँ पे डेटा लिंक और फिजिकल लेयर एक ही लेयर में काउंट हो रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इनका आपस में कंपेरिजन हो रहा होता है TCP/IP के उस मॉडल का। अच्छा, अब हमने देखा कि यार जितनी भी हमारी ये है कम्युनिकेशन है वो IP की बेस पे चल रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब उसके लिए हमारे सिस्टम्स में भी और उसके अलावा हमारे राउटर्स के ऊपर भी कुछ राउटिंग टेबल और कुछ ARP टेबल्स मेंटेन हो रहे होते हैं जिसकी बेस पे इंफॉर्मेशन ये वाली यूज होती है। अब जो हमारा IP होता है ना उसके 2 हिस्से होते हैं, एक होस्ट पार्ट होता है और एक क्लाइंट पार्ट होता है। तो वो जो होस्ट ID और उसके थ्रू हम देखते हैं कि हम जो राउटर होता है वो देखता है कि हमने इस पैकेट को कहाँ कहाँ रेफर करवाना है, कहाँ पे भिजवाना है। ठीक है, और उसका एक पूरा कम्युनिकेशन से रिलेटेड ताल्लुक है, उसको हम ज़्यादा डिटेल में जाके डिस्कस नहीं कर रहे। सिर्फ हम देख रहे हैं कि यार यहाँ पे ना कम्युनिकेशन TCP/IP के थ्रू हो रही होती है, राउटर्स के थ्रू हो रही होती है, उसमें डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं। जो आपकी लेयर 2 की कम्युनिकेशन होती है वो आपकी मैक एड्रेस की बेस पे हो रही होती है। ठीक है, और ये होती है आपकी लैन लेवल के ऊपर, जो आप एक ही फिजिकल उस के ऊपर अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो मैक एड्रेसेस के थ्रू आगे पीछे मूव होती है 2 कंप्यूटर्स या 2 होस्ट के दरमियान। जब आप वहां से बाहर निकलते हैं लेयर 3 के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपकी IP एड्रेस बेस कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि आपकी जो 2 डिवाइसेस होती हैं ऑन द लैन वो वाया मैक एड्रेस कम्युनिकेट करती हैं, और अगर आपकी जो 2 डिवाइसेस जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है वो एक लैन के ऊपर नहीं है बल्कि वो किसी वैन के ऊपर है तो फिर आपकी IP to IP कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो उसके लिए फिर आप पहले वो DNS वाला काम करवाते हैं कि आप पहले चेक करते हैं कि जिसको मैंने भेजना है पैकेट उसका IP एड्रेस क्या है। जैसे आप अपने जीमेल को भेजना है तो जीमेल तो आपके लैन पे नहीं है ना, वो तो इंटरनेट के ऊपर कहीं पे है, तो फिर आप पहले जीमेल का DNS के थ्रू IP एड्रेस मालूम करते हैं और IP एड्रेस मालूम करने के बाद उस IP एड्रेस के ऊपर इंफॉर्मेशन भिजवा देते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये IP इथरनेट पैकेट के बारे में डिटेल्स ही भी हैं। ये इस तरह से होता है कि आपका जब भी कोई नया पैकेट स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक खास तरह का पैटर्न जाता है 10101010 का 7 बाइट का, इससे पता चलता है कि अब नया पैकेट स्टार्ट होने लगा है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेम डेलिमीटर आता है, तो हर फ्रेम डेलिमीटर जो है ना वो 10101011 के साथ आता है, इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद आगे उसकी डिटेल लिखी होती है कि डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, लेंथ ऑफ डेटा सेक्शन, फिर आगे एक्चुअल डेटा क्या है, फिर उसके अंदर अगर कोई पेंडिंग की भी है, ठीक है,
और पेंडिंग के बाद इसका चेकसम होता है, जिससे ये पता चलता है कि हमारा जो पैकेट है वो रास्ते में कहीं इसके साथ गड़बड़ तो नहीं की गई, मतलब कोई इसमें खराबी तो नहीं पैदा हुई, इसमें कोई लिंक के अंदर होता है जिटरिंग आती है, तो आपके कोई 1-0 हो सकता है, 0-1 हो सकता है, तो ये वाली गेम तो नहीं हुई। तो ये हमारा ईथरनेट का पैकेट होता है जो कि ट्रांसफर हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद दो तरह के प्रोटोकॉल यूज होते हैं, यूडीपी और टीसीपी। यूडीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और टीसीपी जो है वो यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, और टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो यूडीपी में क्या होता है कि आपकी रिलायबिलिटी गारंटी नहीं होती किसी पैकेट की डिलीवरी की। ये जो यूडीपी होता है ये पैकेट भिजवा देता है और भिजवा देता है बस। लेकिन टीसीपी जो होता है ना, वो भिजवाने के बाद एक्नॉलेजमेंट भी लेता है कि यार आपको मेरा पैकेट मिला कि नहीं मिला। अगर वो पैकेट थोड़ी देर तक ना मिले तो टीसीपी उस पैकेट को दोबारा से ट्रांसमिट कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हमें ऐसी कम्युनिकेशन करनी होती है जिसमें हमें रिलायबिलिटी चाहिए होती है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक फाइल भेजनी है, तो मैं चाहूंगा कि उस फाइल का एक 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 पार्ट आप तक पहुँचे ना, क्योंकि अगर उसका एक भी पार्ट आप तक ना पहुँचा तो आपके पास फाइल पूरी नहीं जाएगी, आप उसको यूज़ नहीं कर सकोगे। तो वो हम फाइल जब भेजेंगे तो हम नॉर्मली टीसीपी के थ्रू भेज रहे होंगे। लेकिन अगर मैं आपको ऑडियो भेज रहा हूँ, तो अगर ऑडियो भेजते हुए कोई आपको एक पैकेट नहीं भी पहुंचा, तो आपको मेरी आवाज़ में कोई हल्का सा स्लोनेस फील होगी, कोई हल्का सा चेंज फील होगा, लेकिन आपको बात समझ आ जाएगी क्योंकि उस ऑडियो के बाकी पैकेट्स आप तक पहुंच रहे हैं। तो जो बात मैं कह रहा हूं आपको वो बात आप तक पहुंच गई है, सिर्फ बीच में कोई हल्का सा आपको कुछ जिटर फील होगा या कोई हल्का सा, अगर मतलब देखे ना, मैं जो आपको एक बात एक जुमला बोलता हूँ तो उसके लिए हो सकता है कि 50 पैकेट बनते हो एक सेंटेंस के ऊपर, तो अगर उनमें से एक पैकेट नहीं पहुंचा तो आपको जो बाकी 49 पैकेट्स पहुंचे उनकी वजह से जब आपके वो डिकोड होंगे तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। बीच में आपको लगेगा कि बोलते बोलते सर एक हल्का सा कोई पॉज आया है, हल्का सा कोई बिल्कुल ना, एक आध पैकेट की वजह से, बल्कि शायद आपको वो भी जिटर फील ना हो। तो इसलिए ऐसी कम्युनिकेशन जो होती है मीडिया की और इन चीज़ों की, वो फिर नॉर्मली यूडीपी यूज की जाती है उनके लिए। अच्छा, फिर ये जो कम्युनिकेशन होती है, हमने जैसे देखा पहले कि यार ये कम्युनिकेशन हो रही होती है आपकी आईपी एड्रेसेस के ऊपर। जब मैंने जीमेल से कनेक्ट करना है, मैंने किसी और से कनेक्ट करना है, तो मैं कम्युनिकेट करूंगा आईपी एड्रेस के ऊपर। अब देखो जैसे आपका कंप्यूटर है उसका एक आईपी एड्रेस है, तो आप तो मल्टीपल चीजें यूज कर रहे हो, आपने जीमेल भी खोली भी है, आपने वेबसाइट भी खोली भी है इसकी एयर यूस्ट्री की, आपने कोई और यूट्यूब भी खोला हुआ है, तो अभी डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन है, तो अब सारी की सारी एक ही आईपी पे जा रही है जो कि आपका आईपी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि यार ये जो पैकेट आ रहा है ये आपके आईपी पे, ये जीमेल का पैकेट है या यूट्यूब का पैकेट है या एयर यूस्ट्री का पैकेट है? ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो डिफरेंट सर्विसेज होती है ना वो डिफरेंट पोर्ट्स यूज कर रही होती है। तो अब क्या होता है कि एड्रेस के साथ साथ पोर्ट भी आ जाती है। तो जब आप जीमेल से कम्युनिकेट करते हैं तो जीमेल आपके कंप्यूटर की एक खास पोर्ट से कम्युनिकेशन शुरू कर देता है, और वो पैकेट में मेंशन भी करता है कि यार ये जो पैकेट है ये फलां आईपी के फलां पोर्ट पे आपने भिजवाना है। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने साथ यूट्यूब खोला हुआ है तो यूट्यूब अलग पोर्ट पे उसका डाटा आ रहा होगा। तो जब वो पैकेट आपके पास आएगा तो उसमें लिखा होगा कि ये पैकेट इस आईपी के इस पोर्ट पे डिलीवर कर रहा है, तो वहां से आपको आपके कंप्यूटर को पता चलेगा कि यार अगर ये पोर्ट नंबर 1 पे आ रहा है तो इसका मतलब है यूट्यूब का पैकेट है, और अगर ये पोर्ट नंबर 2 पे आ रहा है तो ये इसका मतलब है जीमेल का पैकेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से करके ना आपका जो इंटरनल कंप्यूटर के अंदर स्कीम चलती है वो इस तरह चलती है। इसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप कह लो पोस्ट ऑफिस। अब देखो जो मेन पोस्ट ऑफिस है, अब आपने रावलपिंडी से कराची या इस्लामाबाद से कराची खत भिजवाना है, तो अब क्या होगा कि आप एड्रेस लिखोगे पूरा के, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आप नाम लिखोगे। ठीक है, हम सपोज करते हैं बिलाल और ये जो हनान है ये आप इसमें कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं थ्रू पोस्ट ऑफिस, और बिलाल कराची में रहता है और हनान इस्लामाबाद में रहता है। तो हनान ने अब बिलाल को एक लेटर भिजवाना है, तो वो उसका एड्रेस लिखेगा कि टू हनान, हनान लिख रहे हैं अगर बिलाल को तो वो लिखेगा पैकेट पे कि टू बिलाल हाउस नंबर 10 स्ट्रीट नंबर 5 एफ ब्लॉक DHA 2 कराची। ठीक है, तो ये लिख के एड्रेस भिजवा देगा। अब क्या होगा, ये डिफरेंट लेयर्स होती है ना, तो जब ये पोस्ट ऑफिस में जीपीओ में पहुंचेगा तो वो लोग सिर्फ ये देखेंगे कि यार इसका सिटी का नाम क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सपोज वहां पे हमारा सिटी का नाम लिखा हुआ था कराची, तो वो ये नहीं देखेंगे कि कराची में किस एड्रेस पे जाना है जीपीओ वाले, और ये कराची मतलब कौन सी जगह पे जा रहा है, हाउस नंबर क्या है, ये वो नहीं, वो सिर्फ उसमें से अपनी मर्जी के लेयर देखेंगे, और वो लेयर होगी जो सबसे नीचे लिखी हुई है कि कराची, क्योंकि ये पैकेट कराची जाना है, तो उसको कराची वाली बोरी में बंद कर देंगे।
तो वो जो बोरी है कराची चली जाएगी, तो जितनी भी लेटर्स हैं जिन पे एंड में एड्रेस कराची का लिखा हुआ है, चाहे वो DHA जा रहे हैं, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल तारिक रोड जा रहे हैं, चाहे वो XYZ जा रहे हैं, बैरिया टाउन जा रहे हैं, तो सारे के सारे कराची वाली बोरी में बंद करके आगे GPO को भिजवा देगा, क्योंकि GPO लेयर का ऊपर वाली लेयर से कंसर्न नहीं है, उसे सिर्फ नीचे वाली लेयर पड़ी, उसने देखा कराची लिखा हुआ था, उसने कराची भेज दिया। जब कराची पहुंचा ना मेन ऑफिस में GPO में, तो अब वो उससे ऊपर वाली लाइन, कराची तो पहुंच गया ना, तो अब कराची वाली लाइन का काम खत्म हो गया, जो एड्रेस पे चार पांच लाइंस लिखी हुई थी उसमें सबसे नीचे कराची लिखा था, अब उससे ऊपर वाली लेयर आ गई, वहां लिखा था DHA2। अब वहां पर क्या होगा, वो कहेंगे अच्छा यार ये जो DHA का है तो इसको बोरी नंबर 1 में डाल दो, और ये जो तारिक रोड का एड्रेस वाली डाक है उसको बोरी नंबर 2 में डाल दो, और जो बहरिया टाउन जा रही है उसको बोरी नंबर 3 में डाल दो। तो अब यहाँ पे ना उस एक बड़ी बोरी की जो कराची वाली थी उसमें से उन्होंने निकाली चीजें, और नीचे वाली लेयर पड़ी, तो नीचे वाली लेयर में एड्रेस लिखे हुए थे लोकल, तो उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने कोई हाउस एड्रेस ये वो चीजें नहीं पढ़ी, उन्होंने सिंपल पढ़ा कि यार ये जो पैकेट है इसने जाना था DHA2 में, तो उन्होंने इसको DHA वाले बोरी में डाल के DHA भिजवा दिया, DHA का जो लोकल डाकखाना था पोस्ट ऑफिस था वहां भिजवा दिया, उन्होंने बाकी ऊपर वाली चीजें कोई नहीं पढ़ी। अब क्या होगा कि जब ये वाली चीज, ये वाली जो पैकेट्स हैं ये जब पहुंचेंगे DHA वाले पोस्ट ऑफिस में, अब वो निकालेंगे, अब वो सारे पैकेट होंगे जो DHA वाले, तो सेकंड लेयर भी उन्होंने निकाल दी बीच में से, अब वो थर्ड लाइन को पढ़ेंगे, थर्ड लाइन में लिखा होगा एफ ब्लॉक, अब वो क्या करेंगे, उनके पास कुछ उस बोरी में पैकेट होंगे जो एफ ब्लॉक के होंगे, कुछ ए ब्लॉक के होंगे, कुछ बी ब्लॉक के होंगे, तो उनको सेग्रीगेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो एफ ब्लॉक वाले सारे पैकेट एक उसमें डाल देंगे अलग से लिफाफे में, और पोस्टमैन को कहेंगे कि यार जो एफ ब्लॉक में तुम जा रहे हो ना, तो ये तुम्हारी डाक आई हुई है, तुम ये जाके डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। उन्होंने नहीं देखना कि हाउस नंबर क्या है, क्योंकि उनका उससे कंसर्न नहीं है, तो उन्होंने अपनी वाली जो लेयर थी जो कि ब्लॉक्स वाली थी उसको रीड आउट किया, और रीड आउट करने के बाद उस इलाके के पोस्टमैन को कहा कि यार ये तुम्हारे लिए डाक है, तुमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसको ले जाओ। उन्होंने ब्लॉक वाला हेडर उतारा, और ब्लॉक वाला एड्रेस रीड करने के बाद या हेडर रीड करने के बाद उन्होंने वो सारी डाक एक बंदे को दे दी। अब वो बंदा बाइक लेके निकला अपने लोकल पोस्ट ऑफिस से, जो उस एरिया का पोस्ट ऑफिस है DHA का, और वो उसने ना उन पैकेट्स को सॉर्ट आउट किया, और उसमें उसने ना स्ट्रीट वाइज सॉर्ट कर लिया, तो उसने देखा कि यार स्ट्रीट 2 के सारे एड्रेस इकट्ठे रख दो, स्ट्रीट 3 के सारे एड्रेस इकट्ठे रख दो, लेटर स्ट्रीट 4 के सारे इकट्ठे रख दो। फिर जब वो स्ट्रीट 2 में गया ना, तो वहां जाके उसने फिर अगला हेडर पकड़ा, स्ट्रीट 2 के अंदर पहुंचने के बाद उसने हेडर्स एक और स्ट्रीट वाला हेडर भी उतार दिया। अब उसने हाउस नंबर देखना शुरू किए, तो उसने देखा कि यार ये लिखा हुआ है हाउस नंबर 10, तो 1 वाले जो लेटर था उसने 1 वाले घर में फेंक दिया, जो 2 वाला लेटर था वो 2 वाले में डिलीवर किया, तो इसी तरह 10 वाला एड्रेस 10 वाले घर में डिलीवर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जब उस घर में फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे रहते हैं, तो उसमें से एक बंदा आया, जब उसकी बेल बजी तो उसने आके देखा कि कोई पोस्टमैन है, उसने एक लेटर उसको हैंड ओवर किया है, तो उसके बाद वो पोस्टमैन तो वापस चला गया अपना काम करके। अब इस बंदे ने क्या किया, इसने आखिरी हेडर को पढ़ा, अब उस घर में 10 बंदे रहते हैं, ABCDEFGH और एक बिलाल भी है। अब वो बंदा जब उसका जो आखिरी हेडर पड़ेगा तो उसमें लिखा होगा बिलाल, तो उसको पता चल गया कि इस घर में ये जो पैकेट है उसने बाकी सारी चीजें नीचे वाली नहीं पड़ी, कराची का है और DHA का है और एफ ब्लॉक का है और स्ट्रीट 2 का है या 10 का है, उसने फाइनली आखिरी वाला हेडर पढ़ा, उसमें लिखा था जी बिलाल को मिलना है, तो उसको समझ आ जाएगा जो हमारे घर में 10 बंदे रहते हैं उसमें से बिलाल को मैंने ये वाला इन्फॉर्मेशन देनी है, ये वाला पैकेट देना है, ये वाला खत देना है, तो सीधा बिलाल के कमरे में जाएगा और कहेगा बिलाल आपका खत है, तो वो बिलाल को हैंड ओवर कर देगा। अब बिलाल फाइनली जो वो उसका लिफाफा है वो ओपन करेगा और अंदर से कागज निकाल के वो एड्रेस या वो बात पढ़ना शुरू कर देगा जो कि हनान ने उसको लिख के भिजवाई है, तो ये लेयर्स इस तरह से काम कर रही होती है, ठीक है। फिर UDP और TCP का हमने देख लिया कि यार ये कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस होते हैं, तो UDP जो होता है वो क्या होता है कि जब आप किसी सर्वर को, ये साइड पे सर्वर है, साइड पे क्लाइंट है, तो जब आप किसी सर्वर को डेटा रिक्वेस्ट भिजवाते हैं, उसके बाद सर्वर उस डेटा की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपको रिप्लाई भिजवाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब अगर इसमें से कोई एक पैकेट ड्रॉप हो भी जाता है, तो उससे इस UDP में इसका कोई हल नहीं है, वो उसे कुछ करता नहीं है, बस वो सारे पैकेट एक ही बार आपको भेज देता है। अब आपको कुछ पैकेट मिलते हैं, कुछ पैकेट नहीं भी मिलते, तो वो सर्वर का कंसर्न नहीं है, ठीक है।
अब इसको हम कंपेयर करते हैं टीसीपी के साथ. टीसीपी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. अब ये कैसे करता है काम या रिलायबिलिटी कैसे देता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. ये ऐसे करता है कि जब आपका क्लाइंट ने सर्वर से कोई बातचीत करनी होती है तो ये इससे रिक्वेस्ट भिजवाता है कि भाई मैंने आपसे बातचीत करनी है. तो सर्वर उसे कहता है यार मैं आपको एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि मुझे आपका पैकेट नंबर 904 मिल गया है जिसमें आपने फॉर एग्जाम्पल कोई डाटा भिजवाया हुआ था, रिक्वेस्ट भिजवाई थी, ठीक है, रिक्वेस्ट का डाटा था तो उसके साथ नंबर भी लगा होता है उसका सीक्वेंस नंबर. तो ये सर्वर आपको ना 904 अगर फॉर एग्जाम्पल का नंबर था तो उसको एक्नॉलेज करेगा कि यार मुझे आपका नंबर, एक तो ये कि यार ये बात सुन लो भाई क्लाइंट कि मुझे आपका 904 नंबर पैकेट मिल गया है. अच्छा उसको डाटा भिजवाएगा, तो डेटा भिजवाएगा तो उसने उसको फॉर एग्जाम्पल 126 नंबर सीक्वेंस लग के भेज दिया. तो जो क्लाइंट है वो सर्वर को बताएगा कि यार मुझे आपका पैकेट नंबर 126 मिल गया, एक्नॉलेज कर लेगा, ठीक है. वो कहेगा ओके फाइन. वो कहेगा यार मैं आपको 127 नंबर पैकेट में डाटा भिजवा रहा हूँ. अब हम सपोज करते हैं कि ये जो 127 नंबर पैकेट था ये कहीं पे ड्रॉप हो गया और ये इसको नहीं मिला क्लाइंट को. जब ये नहीं मिला तो इसने इसकी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं भेजी. तो अब ये जो आपका टीसीपी में कम्युनिकेशन में जो आपका सर्वर है खास वक्त तक वेट करेगा. अगर उसको उस खास वक्त तक 127 की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो ये 127 को दोबारा भिजवा देगा. अब इसने जब 127 नंबर पैकेट को रीट्रांसमिट किया तो हम सपोज करते हैं कि वो पैकेट अब सही जाके क्लाइंट तक पहुंच गया, क्लाइंट उसको एक्नॉलेज करेगा कि मुझे आपका 127 नंबर पैकेट मिल गया, तो फिर ये 128 नंबर पैकेट को दोबारा भिजवा देगा अगले पैकेट को. हम सपोज ये करते हैं, सिनेरियो में आपको सिर्फ टेस्ट करवा रहा हूँ. हम सपोज करते हैं 128 नंबर पैकेट तो उस क्लाइंट तक पहुंच गया, क्लाइंट ने जब एक्नॉलेजमेंट उसकी भेजी तो वो कहीं रस्ते में ड्रॉप हो गई, वो इस सर्वर तक नहीं मिली. तो सर्वर ये पैकेट पहुंचा या नहीं पहुंचा, सर्वर को एक्नॉलेजमेंट चाहिए टीसीपी के केस में. ये फिर एक खास वक्त तक वेट करेगा, अगर इस वक्त तक इसको 128 की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो ये 128 नंबर को दोबारा ट्रांसमिट करेगा. जब ये दोबारा ट्रांसमिट करेगा और क्लाइंट को ये 128 नंबर पैकेट दोबारा मिलेगा तो समझ जाएगा कि यार 128 तो मुझे पहले भी मिल गया था, इसे दोबारा भेजा है, इसका मतलब है कि इसको जो मैंने एक्नॉलेजमेंट भेजी थी वो शायद सर्वर को नहीं मिली, रस्ते में ड्रॉप हो गई है. तो कहेगा फाइन ठीक है, ये उसको 128 की एक्नॉलेजमेंट दोबारा भेजेगा. जब ये 128 की एक्नॉलेजमेंट दोबारा इस तक पहुंचेगी फिर ये आगे 129 नंबर ट्रांसफर करेगा. तो इससे क्या होता है कि अगर आपका बीच में कोई पैकेट मिस हो जाए डेटा का या उसकी एक्नॉलेजमेंट मिस हो जाए, दोनों सूरतों में वो पैकेट रीट्रांसमिट होता रहता है जब तक एंड यूजर तक पहुंचना चाहिए. ये आपकी वही वाली बात इंग्लिश में लिखी हुई है फ्लो कंट्रोल के हवाले से, एक्नॉलेजमेंट के हवाले से, ठीक है. ये सारी चीज देखने के बाद हम आते हैं कि हमारे अब इसका लिंक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या है ना, जो असल हमारा क्रक्स है. अब क्या होता है कि इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को संभालने के लिए हमारे पास दो तरह के सिस्टम पाए जाते हैं. एक होते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. तो नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें यूजर को पता होता है कि यार आपके पास मल्टीपल मशीन्स हैं, मल्टीपल होस्ट हैं, मल्टीपल सर्वर है जो कि आपको सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि वो नेटवर्क ओरिएंटेड कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन हुए हुए होते हैं. जबकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें आपको ये नहीं पता होता, यानी कि यूजर जो होते हैं यूजर उनको ये नहीं पता होता कि यार बैक एंड पे एक मशीन है, पांच मशीनें हैं, 50 मशीनें हैं. वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लेवल के ऊपर उन मल्टीपल मशीन या मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं और एंड यूजर सिर्फ अपनी एक रिक्वेस्ट दे देता है और आगे वो कहाँ पे चल रही है, किस लेवल पे चल रही है, वो उसका एंड यूजर से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसको इस बारे में कुछ पता नहीं होता, ठीक है. वही वाली बातें लिखी है कि जो नेटवर्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें यूजर जो होते हैं उनको पता होता है कि मेरे पास मल्टीपल मशीन है और ये डाटा किस मशीन से आ रहा है, क्योंकि आईपी बेस्ड मैनेजमेंट हो रही होती है. इसमें फॉर एग्जांपल आप यूजर हो और आपने अभी काम किया था, आप में से कुछ लोगों ने उस पे मशीन्स बनाई थी अपनी असाइनमेंट नंबर 4 या 5 में अमेज़न वगैरह पे, ठीक है, या गूगल क्लाउड पे, या फॉर एग्जाम्पल उसके माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्यूर है उसके ऊपर आपने मशीन्स बनाई थी, ठीक है. अब आपकी वो मशीन वहाँ पे बन गई, तो जो आपकी लिनक्स की मशीन है वो इस वक्त होस्ट हुई हुई है वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के क्लाउड के ऊपर हुई हुई है. तो अब क्या होगा कि अब आपने उसमें काम करना है तो आप यहाँ से उसको SSH के थ्रू रिमोट लॉग इन करोगे, ठीक है. आप वैसे उसके वेब इंटरफेस के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली सर्वर्स वगैरह होते हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं तो उनको नॉर्मली वहाँ पे ना लिनक्स अगर इंस्टॉल हो तो वहाँ पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है वो SSH प्रोटोकॉल है, सिक्योर सॉकेट लेयर के ऊपर वो काम कर रहा होता है.
SSH प्रोटोकॉल के थ्रू आपको कमांड लाइन इंटरफेस मिल जाता है, कई बार X11 फॉरवर्डिंग हो तो आपको उसका ग्राफिकल इंटरफेस भी फॉरवर्ड हो जाता है SSH के ऊपर ही, तो उसके थ्रू आप जो है ना सर्वर्स को लॉग इन करके उन पे काम कर रहे होते हो, ऐसे जैसे आप उस कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हो, लेकिन आप बैठे हुए अपने घर में होते हो, यहाँ से आप उस कंप्यूटर को रिमोटली कनेक्ट किया होता है। तो अब आपको पता होता है जब आप इस तरह की चीज़ों को लॉग इन करोगे तो आपको पता होगा कि हाँ यार मैं SSH यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं रिमोटली किसी कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास नहीं है, ये किसी और जगह पे नेटवर्क भी पड़ा हुआ है, और आप उस नेटवर्क का एड्रेस देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल जो दी हुई है वो अगर आपकी yale.edu है और उसका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है और उसमें कोई क्रिस्टन नाम का कंप्यूटर है किसी क्रिस्टन यूजर का, तो उसका ये URL अगर बन रहा है, तो आप जब अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे तो आपको SSH के मैं SSH प्रोटोकॉल के ऊपर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, किसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, kristen.cs.yale.edu, कि yale.edu में जो CS डिपार्टमेंट है उसके अंदर क्रिस्टन का जो नाम का कंप्यूटर है उससे मुझे कनेक्ट करवा दो, तो ये आपको कनेक्ट करवा देगा। आगे आप अपनी जो कमांड चलाओगे वो सारी की सारी क्रिस्टन के कंप्यूटर के ऊपर चल रही होगी, ठीक है। इसी तरह आप FTP यूज कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो उसमें भी आप किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हुई रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि यार मैंने FTP किया हुआ है किसी FTP सर्वर को, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाले सर्वर को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और मैं वहां से फाइल जो मैं ब्राउज कर रहा हूं, फाइलें ये एक्चुअली मेरे पास नहीं पड़ी हुई, ये बेसिकली उस सर्वर में पड़ी है जिसको मैंने, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक है ftp.au.edu.vk, फॉर एग्जाम्पल AU का अगर FTP सर्वर है, तो जब आप उसको कनेक्ट करोगे FTP के ऊपर, तो आप लिखोगे कि FTP करो किसको, au.edu.vk, तो आपको पता होगा कि यार मैं किसी रिमोट साइट पे AU के किसी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के सर्वर से, फाइल ट्रांसफर सर्वर से मैं कनेक्ट हुआ हूँ ना। इसमें आपको एक एंड यूजर होता है उसको अवेयर होता है कि यार मैं किसी ऑनलाइन सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में आपको इन चीजों का पता नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप जब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किसी काम को लिंक करते हो तो आप एक्चुअली अपने प्रोसेस ओरिएंटेड या अपने वर्क ओरिएंटेड या अपने टारगेट ओरिएंटेड काम कर रहे हो, तो आप कहते हो यार मुझे ये कंप्यूटेशन चाहिए कि यार ये मेरा फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है तो इसकी कोई मल्टीप्लीकेशन मुझे परफॉर्म कर दो, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि जिस कंप्यूटर को आप कह रहे हो कि यार आपने ये मुझे मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करके देनी है, वो ये काम खुद कर रहे हैं या उसने उसके 10 छोटे छोटे पैचेस बनाए और वो 10 कंप्यूटर को आगे फॉरवर्ड कर दिए और उनसे जो रिजल्ट आ रहा है उसको एक्यूमुलेट करके वो आपको भिजवा रहा है, ये आपको नहीं पता। तो आप उसको आपको काम देते हो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को और वो आपको वो काम परफॉर्म करके दे देता है। अब वो काम कहाँ परफॉर्म हुआ है, एक मशीन पे हुआ है, 10 पे हुआ है, किस नेटवर्क पे जाके हुआ है, वो आपके लिए ट्रांसपेरेंट होता है। बस आपने उस एक मेन मशीन को काम देना है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाली और उसने आपको रिजल्ट दे देने, इन बिटवीन चीजें आपके लिए एज ए एंड यूजर इनके ट्रांसपेरेंट होती हैं, आपको सॉरी ओपीक होती हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि बैक एंड पे काम किस तरह से हुआ है। तो इसके लिए जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मल्टीपल चीजों, मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, जो मल्टीपल मशीन्स हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए वो RPC के थ्रू भी, रिमोट प्रोसीजर कॉल के थ्रू भी काम कर रहा होता है और मैसेजिंग सिस्टम भी यूज हो सकता है। उसके लिए MPI मैसेज पासिंग इंटरफेस की लाइब्रेरीज होती हैं जो कि अमंग द कंप्यूटर टास्क की कम्युनिकेशन करवाती हैं कि ये टास्क आपको साइन किया जा रहा है, वो जब काम कर लेती हैं तो उसका रिजल्ट वापस MPI मैसेज के थ्रू मेन जो कंप्यूटर होता है, जो मेन नोड होती है, मास्टर नोड उसे कहते हैं, उसको भिजवाती हैं और वो फिर आगे एंड यूजर को उसके रिजल्ट भिजवा देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ना जरा जल्दी जल्दी देख लेंगे कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली उस फेज में आ गए। ये सारी जो भी तमीद हमने बांधी है अभी आधे घंटे में, ये बेसिकली आपकी इस पॉइंट पे पहुंचाने के लिए थी कि यार डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों जरूरी है, किस सिनेरियो में काम कर रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी मेन फीचर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मेन फीचर्स क्या हैं। सबसे जो मेन फीचर है इसका वो है प्रोसेस माइग्रेशन। प्रोसेस माइग्रेशन क्या है कि आपका एक प्रोसेस है, आपने कोई काम एग्जीक्यूट करवाना है, वो आप डिफरेंट होस्ट्स के ऊपर करवा लें, वो काम आप डिफरेंट होस्ट से करवा लें, एक से ना करवाएं, मल्टीपल से करवा लें। अब इसमें मल्टीपल चीजें यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लोड बैलेंस करना है कि आपके ऊपर जो मल्टीपल लोड आ रहा है, काफी सारा ज्यादा लोड आ रहा है, तो आप उसको एक की जगह दो कंप्यूटर, चार कंप्यूटर्स पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हर कंप्यूटर को कुछ कुछ काम मिलेगा तो वो चारों उसको बआसानी कंप्लीट कर लेंगे। तो लोड बैलेंसिंग के लिए भी आप प्रोसेस माइग्रेशन यूज कर सकते हैं। यह आप कंप्यूटेशन की स्पीड अप करना चाह रहे हैं, आपका बहुत बड़ा टास्क है वो, अगर आप एक ही कंप्यूटर पे करें तो आपको एक घंटा लग जाए, तो आपने वो 10 कंप्यूटर में डिवाइड कर दिया तो आपको 6 मिनट में वो काम हो गया, क्योंकि हर कंप्यूटर ने वो अपना अपने हिस्से का काम जो है वो 6-6 मिनट में मतलब
परफॉर्म कर लिया ना, थोड़ा थोड़ा काम करके सबको बांट दिया, जब उन्होंने अपना काम कम्प्लीट किया तो उसको आपने दोबारा से जोड़ लिया, तो आपकी कंप्यूटेशन स्पीड अप होगी कि वो काम जो पहले 1 घंटे में होना था वो 10 मिनट में हो गया। ठीक है, आपकी सॉफ्टवेयर प्रेफरेंस हो सकती है कि यार ये वाली जो चीज है ना ये किसी खास ही मशीन पे अवेलेबल है ये वाला सॉफ्टवेयर। कई बार ये भी होता है कि वो किसी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो आप सब पे नहीं इंस्टॉल कर सकते, तो उससे रिलेटेड जो भी काम होता है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक फॉर एग्जाम्पल आपका ऑटो कैट का लाइसेंस है, हम सपोज करते हैं कि वो $1,000 का है, और आपके पास आपकी कोई कंस्ट्रक्शन की फर्म है कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, तो अब वैसे तो ये लीगल जो तरीका होता है तो ये होता है कि आप ऑटो कैट को परचेस करके फिर यूज कर सकते हैं। इलीगल तरीका होता है ना कि आप कोई भी सीडी ले लें उसमें क्रैक पड़ा होगा तो आपने इंस्टॉल किया और क्रैक चलाया तो वो तो इलीगल तरीका है, तो लीगल तरीका वो तो ये है कि आपने लाइसेंस लेने हैं। अब अगर आपके काम है तो आप अगर उसके 10 लाइसेंस लेते हैं तो आपको $10,000 के पड़ जाएंगे, तो बहुत कॉस्टली है। तो लोग क्या करेंगे कि वो मतलब फॉर्म हमारी कंस्ट्रक्शन की फर्म है तो हमने एक लाइसेंस ले लिया, ठीक है, ऑटो कैट का। अब हमारी कंस्ट्रक्शन की फर्म है तो अब क्या होगा कि वो हमने एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लिया एक लाइसेंस, और लाइसेंस की वजह से ऑथराइजेशन एक ही पे इंस्टॉल करने की, तो हम ये भी नहीं कर सकते कि हम उसको 10 मशीनों पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एक ही पे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि अब जो भी काम आएगा नक्शे बनाने से रिलेटेड, स्केच बनाने से रिलेटेड, वो हम उस ऑटोकैड वाले सिस्टम पे भिजवा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही लाइसेंस है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम $1,000 के 5-6 लाइसेंस लेके हर मशीन पे वो इंस्टॉल कर ले। तो हम क्या करेंगे कि हम जब भी इस तरह का काम आएगा नक्शे के हवाले से, कोई मैप के हवाले से जो ऑटो कैड में करना है, तो वो सारे का सारा काम उस बंदे को कहेंगे यार वो जो कोने वाला कंप्यूटर पे बंदा बैठा है ना उसके पास ले जाओ, उसके पास ऑटो कैड है, वो इसको आपको बना के सेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये वाली बात भी हो सकती है सॉफ्टवेयर के प्रेफरेंसेस की। फिर ये भी हो सकता है कि आपका प्रोसेस जो है उसको आप डेटा एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो भिजवा दे। लेकिन कुछ जगहों पे क्या होता है कि आप डेटा को मूव करते हैं प्रोसेस की तरफ और प्रोसेस उस डेटा को परफॉर्म करके उस पर कंप्यूटेशन आपको रिजल्ट दे देता है। कई जगहों पे आप प्रोसेस ही मूव कर देते हो कि यार डेटा फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल देखो ना आप कोड होता है, अब आपने कोड लिखा है, कोड आपका एक सफे का कोड होगा, ठीक है, डेटा आपका हो सकता है 1,000 रिकॉर्ड हो। एक तरीका तो ये कि आप उस मशीन पे जिसपे वो कोड इंस्टॉल है उस पर अपने 1,000 पेजेस भेजो डेटा के और वो उनको प्रोसेस करके आपको रिजल्ट दे दे। एक तरीका ये है कि आप एक ही पेज मूव कराओ कि जिस बंदे के पास डाटा पड़ा हुआ है उसके पास वो कोड मूव करवा दो, वो कोड उस मशीन के ऊपर लोकली चले और लोकली चलने के बाद वो रिजल्ट निकाल के दे दे। तो अब क्या होगा कि इससे आपकी बहुत ज्यादा नेटवर्क ट्रैफिक बच गई। अगर आप वो 1,000 पेजेस ऑफ द डाटा मूव करते हो उस सिस्टम की तरफ जिस सिस्टम पे कोड पड़ा हुआ है तो आपके नेटवर्क पे 1,000 पैकेट जाते, ठीक है, उसकी जगह आपने सिर्फ एक पेज ऑफ द कोड जो है उसको मूव कर लिया उस कंप्यूटर पे जिस पे डाटा पड़ा हुआ था, तो आपका सिर्फ एक पैकेट ट्रांसफर हुआ नेटवर्क के ऊपर, तो आपकी नेटवर्क की बैंडविड्थ जो है ना वो कितनी बच गई। तो इस तरह के सिनेरियो में फिर आप कई बार ये भी डिसाइड करते हो कि मैंने डाटा को मूव नहीं करना, मैंने एक्चुअली उसको मूव कर देना है प्रोसेस को। और वर्ल्ड वाइड वेब पे नॉर्मली ये हो रहा था कि उसमें जो डाटा होता है वो सर्वर साइड पे रिजाइड करते हैं, आप सिर्फ रिक्वेस्ट भेजते हो और आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ईमेल सिस्टम था, अब आपके एक मेल बॉक्स में 1,000 ईमेल है, एक तरीका तो ये कि जब भी आप अपने जीमेल में लॉगिन करो तो 1,000 की 1,000 ईमेल उठा के आपको भेज दे, ठीक है, डाटा, उसके बाद अपने कंप्यूटर पर उनको खोलते रहो। एक तरीका ये कि मैं आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर दूं, यार आप इनमें से कौन सी खोलना चाहते हो, तो यार एक वक्त में तो 1,000 ईमेल्स ही खोलते हैं ना हम, उसमें से 5-10 पढ़ते हैं, तो मुझे इंटरफेस मिल जाए, मैं कहूँ यार मुझे पहली मेल खोलो। अब क्या हो कि वो सिर्फ मुझे पहली मेल का जो रिजल्ट है वो एग्जीक्यूट होने के बाद जो पहली मेल के अंदर जो बातें लिखी हुई थी वो मुझे नजर आ जाए, फिर मैं कहूँ ओके इसको बंद करो मुझे दूसरी ईमेल खोल के दिखा दो, अब वो सिर्फ जो दूसरी ईमेल का डाटा है वो मतलब प्रोसेस होने के बाद मुझे खोलकर वो नजर आना शुरू हो जाए। तो इसलिए हो सकता है कि मैं 1,000 ईमेल्स एक वक्त में ना पढ़ना चाहूँ और उन 1,000 में से बहुत सारी ईमेल्स मैंने पहले ही पढ़ी हुई होंगी, तो इस वजह से ये बोली एग्जाम्पल आ गई कि आपका कई जगहों पर आपका प्रोसेस मूव हो जाता है, डाटा मूव नहीं होता, और प्रोसेस होने के बाद आपके रिजल्ट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। जब फिर अभी जो सारी चीजें हमने देखी कि यार ये इस तरह से होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ लेकर गए, फिर उसमें किस तरह से वो एक्टिविटीज हो रही होती हैं कि हम लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, कंप्यूटेशन स्पीड अप भी कर सकते हैं। अब ये सारे काम करते हुए अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हो तो हमारे सामने कोई इशूज भी आएंगे जो कि हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिजोल्व करने होंगे, वो क्या क्या हो सकते हैं।
हो सकते हैं कि आपके सिस्टम की रोबस्टनेस आपने इंश्योर करनी है। ठीक है, रोबस्टनेस क्या होता है कि यार अगर आपका सिस्टम में कोई कंपोनेंट फेल हो रहा है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पूरे का पूरा डाउन ना हो, वो उन फेलियर्स को विदस्टैंड कर सके, मैनेज कर सके, बिकॉज उसमें मल्टीपल होस्ट अवेलेबल है। तो मतलब वो अगर एक होस्ट डाउन हो भी गया है तो सिस्टम आपका फंक्शनैलिटी लूज ना करे किसी तरीके से। इस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना होता है। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसको यूजर को ये मसला ना हो कि यार नंबर एक तो ये कि वो आपका जो काम है वो फाइल है वो कहाँ पड़ी हुई है, या आपने जो प्रोसेस करवाना है वो किस कंप्यूटर पे प्रोसेस हो रहा है। यूजर बस आपको अपना काम दे और वो काम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में प्रोसेस हो जाए और उसके बाद उसके रिजल्ट्स हैं वो यूजर को पहुंच जाए, तो ये वाला एक काम हो सकता है। और एक और बात हो सकती है कि यूजर चाहे एक कंप्यूटर पे बैठे या किसी और कंप्यूटर पे बैठे, उसको उसका डाटा मिल जाए। ये ना हो कि यार वो एक कंप्यूटर पे बैठा हो तो उसको डाटा नजर आए, दूसरे कंप्यूटर पे जाए तो कहे नहीं नहीं आपका डाटा यहाँ तो नहीं पड़ा हुआ, वापस जाए और अपने उस वाले कंप्यूटर पर लॉग इन करें तो फिर ही आपको डाटा नजर आएगा। इसकी एग्जाम्पल जीमेल्स वगैरह है या जो भी इस तरह की है, ये हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान में बैठ के जीमेल खोलें, अमेरिका में बैठ के जीमेल खोलें, अपने घर में बैठ के खोलें, हमें हमारा डाटा अवेलेबल होता है क्योंकि वो डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जीमेल के सर्वर्स के ऊपर सेव हो रहा होता है, ना कि हमारे लोकल कंप्यूटर पे होता है। उसकी निस्बत जो आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है वो जब आप अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करते हो तो तभी आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमदा शजीरा के कंप्यूटर के ऊपर बैठकर उस डाटा को खोलने की कोशिश करे अपने वाले को, तो वो उसको नहीं मिलेगा। जो उसका अपना जो उसके अपनी फाइल में सी ड्राइव में डी ड्राइव में माई डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ डाटा, उसके लिए उसको अपने ही किसी खास जो उसका कंप्यूटर है लैपटॉप है उसके ऊपर जब वो बैठेगी तो तभी उसको अवेलेबल होगा वो वाला डाटा। ठीक है, लेकिन अगर वही सर्विस ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में ले जाती है, ड्रॉप बॉक्स में यूज कर लेती है, तो अब क्या होगा कि वो ड्रॉप बॉक्स अपने कंप्यूटर में लॉग इन करेगी और खोलेगी तो उसको अपनी वाली फाइल्स नजर आएंगी जो ड्रॉप बॉक्स में सेव हुई हुई है। अगर वो शजीरा के कंप्यूटर को मिलता है और उसके ऊपर अपना ड्रॉप बॉक्स अकाउंट लॉग इन करती है तो उसको फिर वो फाइल मिल जाएंगी। और अगर यूनिवर्सिटी आती है और यूनिवर्सिटी आकर यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी के अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए हैं अगर उन पे बैठ के अपना ड्रॉपबॉक्स के उस सर्विस में लॉगिन करती है तो वहां पे भी उसको फाइल अवेलेबल होंगी। तो ये इसकी एक ट्रांसपेरेंसी होगी कि आप कहीं पे भी हैं आपको सर्विस आपकी या जो आपकी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो आपको मिल रही है। और स्केलेबिलिटी भी है कि अगर आपके सिस्टम पे लोड ज्यादा आ जाता है तो आपका सिस्टम तब भी सर्विसेज दे रहा हो, वो अपने आप को स्केल कर ले, अपने आप को बड़े लोड के हिसाब से अपने आप को भी एक्सपेंड कर दे अपनी कंप्यूटेशन की पावर को, अपने यूजर्स लेवल को और सर्विस के वो जो भी दूसरे पैरामीटर्स हैं उनको, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ड्रॉप बॉक्स है तो ड्रॉप बॉक्स पे अगर 1,000 यूजर ने अकाउंट बनाया था तो सर्विस दे रहा था, अब वो ड्रॉप बॉक्स से सर्विस मशहूर हो गई तो 10,000 लोगों ने या 1,00,000 लोगों ने उसमें अकाउंट बना लिया तो अब सर्विस ही बैठ गई क्योंकि अब ज्यादा यूजर्स हो गए। तो ऐसा नहीं होगा, जब उसमें यूजर ज्यादा होंगे तो ड्रॉप बॉक्स अपनी कैपेसिटी अपनी एफिशिएंसी अपनी कंप्यूटिंग स्पीड को भी इनहेंस कर ले ताकि 1,00,000 यूजर के लोड को भी वो आसानी से हैंडल कर ले। और ये चीज जो है सिर्फ आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में ही हैंडल हो सकती है। अच्छा, अभी इसमें ना ये वन बाय वन हर ये जो आपका जो रिक्वायरमेंट थी इसकी डिस्कशन है कि रोबस्टनेस क्या होती है। तो पहली तो बात ये होगी कि यार आपका जो हार्डवेयर फेलियर होता है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में, अब चाहे वो कम्युनिकेशन का फेलियर हो इनके आपका नेटवर्क फर्क हो गया, चाहे वो हार्डवेयर का फेलियर हो कि आपकी वो जो 6 मशीनें थी उनमें से एक मशीन हैंग हो गई या डाउन हो गई, या दोनों चीजें चल रही हैं लेकिन वो जो हमने कहा था वो ड्रॉप वाला काम हो जाता है कि आपका पैकेट ही नहीं पहुंचा, मैसेज ही नहीं पहुंचा, तो इन तीनों चीजों को हैंडल करने की कैपेबिलिटी उस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और ये आपके सिस्टम नॉर्मली फॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, ये टॉलरेट कर लेते हैं एक खास हद तक के फॉल्ट को। फॉर एग्जाम्पल आपका आपका सिस्टम है उसमें 6 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो 5 कंप्यूटर तक की फॉल्ट टॉलरेट कर लेगा कि अगर पहला कंप्यूटर खत्म होता है तो वो 5 के साथ काम चला लेगा, दूसरा भी उड़ जाता है तो वो 4 के साथ काम चला लेगा, तीसरा स्पीड अप स्लो हो रही है सिस्टम की लेकिन वो काम चला रहा है अपनी सर्विसेज दे रहा है, चौथा भी उड़ जाता है 5 में से, अभी भी एक सिस्टम रह गया अभी भी वो सर्विस दे रहा हो, ठीक है, परेशान ना हो, घबराए ना, और वो सर्विस देता रहे। अब जब वो आखिरी वाला कंप्यूटर भी उड़ेगा तो अब उसके पास कोई हल नहीं है, तो ये 4 लेवल तक जो अगर 5 में से 4 लेवल तक उसने फॉल्ट टॉलरेट कर सकता था कि अगर 4 कंप्यूटर भी उड़ जाते हैं तो अपना काम कर सकेगा। तो ये इस तरह से आपके लेवल्स होते हैं फॉल्ट टॉलरेंस के कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो डिजाइन होते हैं उसके अंदर आप उस डिजाइन के हिसाब से डिग्री को मैनेज करते हो कि यार ये मेरा सिस्टम में इतने डिग्री ऑफ फॉल्ट्स को मैनेज कर लेगा या इस किस्म के फॉल्ट्स को मैनेज कर लेगा और चलता रहेगा। अब देखो ना, अगर अब हमारी मेन ठीक है वो 5 कंप्यूटर लगे होते, 5 में से 4 की फॉल्ट टॉलरेंस थी,
कंप्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी चार की फॉल्ट टॉलरेंस होगी कि अगर पांच में से चार भी उड़ जाते हैं तो सर्विस बेहतर रहेगा, लेकिन उन पांचों के पांचों अप हैं, लेकिन जो उसकी नेटवर्क की जो मेन नोड आ रही थी जिस पे डाटा आ रहा था अगर वो उड़ जाती है तो फिर क्या होगा, फिर तो पांच अप हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर आपको नेटवर्क में भी रिडंडेंसी लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी दो तारें आ रही होंगी नेटवर्क की तो अगर एक तार किसी वजह से उड़ जाती है, उसमें डाटा नहीं आ रहा, खराब हो गया राउटर आपका, तो दूसरी वाली से डाटा आ रहा होगा तो वो आपका काम फिर भी चलता रहेगा। तो अब जो नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो टॉलरेंस होगी वो 1 versus 2 की होगी कि आपके दो में से एक भी अगर इनेबल है, चल रही है तार नेटवर्क की, तो आपका काम, आपका सिस्टम अप रहेगा। अगर दोनों उड़ जाती हैं तो फिर आपका सिस्टम फारिग हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट टॉलरेंट के लेवल होंगे आपके ना फॉल्ट के, ठीक है। और इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जितना ज्यादा आपका सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट होगा उतना ज्यादा वो बेहतर होगा, उतना ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी या रोबस्टनेस जो है वो हाई होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं कि अब देखें, अब आपकी नेटवर्क की तार खत्म हो गई, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि यार यूजर मुझे भेज रहे डेटा और नेटवर्क की शायद तार खराब होगी जिसकी वजह से मुझे नहीं पहुंच रहा, या कोई यूजर ही नहीं मुझे लॉगिन कर रहा तो इसकी वजह से मुझे डेटा नहीं आ रहा। तो आपने ये भी तो चेक करना है ना कि अगर मुझे डेटा नहीं आ रहा, किसी यूजर की तरफ से रिक्वेस्ट नहीं आ रही, तो क्या रात का वक्त है और सब यूजर सो रहे हैं और कोई यूजर मेरा सिस्टम यूज नहीं कर रहा, ये वजह है, या मेरे नेटवर्क का तार ही उड़ गई है, मतलब नेटवर्क की कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई इसके से लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो इसके लिए आपको ना फेलियर डिटेक्शन वाले काम भी करने पड़ते हैं, और अगर फेलियर हो जाती है तो आपने रिकॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ता है और रिकवरी भी करनी होती है। अगर हम नेटवर्क की एग्जाम्पल लें तो आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए जो ये चेक करता रहे कि अगर मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आ रही मेरे सर्वर पे तो क्या कोई इशू आया हुआ है नेटवर्क में या यूजर ही लॉगिन नहीं कर रहे, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो आपने डिटेक्ट करना है। और अगर वो डिटेक्ट हो जाए कि यार नेटवर्क की तार शायद खराब हो गई है, तो आपने अपने आप को रिकॉन्फ़िगर करना है ऑटोमेटिकली कि मैं इस नेटवर्क की तार शायद खराब हो गई है तो मैं इससे डाटा नहीं ले रहा, मैं दूसरी नेटवर्क का जो तार आ रही है उसके ऊपर मैं तवज्जो दूं, उससे डाटा लेना शुरू कर दूं, ठीक है। और चूंकि ये मेरी पहली वाली नेटवर्क की तार खराब हो गई है तो मैंने इसको रिकवरी के लिए मैसेज भी भिजवाना है अपने एडमिनिस्ट्रेटर को, भाई ये जो नेटवर्क की तार है खराब हो गई है तो आप फौरन बंदा मंगवाएं और फॉल्ट ट्रेस करके इसको दूर करवाएं ताकि जो मेरा सर्विसेज है वापस अपनी फुल स्पीड में चल सके। तो ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं रिपर्सनेस के हवाले से। अब हमने कहा डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट कैसे करते हैं, डिटेक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नेटवर्क का या लिंक का फेलियर है तो उसके लिए हार्ट बीट प्रोटोकॉल यूज होता है। हार्ट बीट में क्या होता है कि आपकी कोई सी दो साइट्स होती हैं, जैसे एक तो आपकी ये वाली साइट होगी ना जो आपकी ये वाली करंट है, और आप कोई और अपना भी एक सर्वर किसी और जगह पे भी इंस्टॉल कर लेते हो, तो वो सर्वर आपस में एक दूसरे को पिंग करते रहते हैं, आर यू अप, या एक दूसरे को बताते रहते हैं आई एम अप। फॉर एग्जाम्पल, हम सपोज कर लेते हैं कि एक मिनट का हमने टाइम रखा हुआ है, एक एक मिनट के बाद दोनों सर्वर एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे आई एम अप, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक सर्वर ए और एक सर्वर बी है और सर्वर बी की तरफ से एक मिनट गुजर गया और सर्वर ए को मैसेज नहीं आया कि आई एम अप, अब ये सपोज करेगा कि लगता है यार वो सर्वर जो है ना वो डाउन हो गया या नेटवर्क डाउन हो गया, दोनों सूरत में कोई ना कोई मसला हो गया। अब वो क्या करेगा, वो सबसे पहले सर्वर ए उसको भेजेगा यार आपका मैसेज नहीं आया तो आर यू अप, पहले तो दोनों एक दूसरे को भेज देते आई एम अप आई एम अप। अब जब बी वाले से ए वाले को मैसेज नहीं आया कि आई एम अप, अब ये कहेगा यार इसको चेक करना चाहिए, इसकी काफी देर होगी, मतलब एक मिनट गुजर गया जो टाइम था हमारा, इसका मैसेज आना चाहिए था नहीं आया, तो ये उसको मैसेज भेजेगा आर यू अप। अच्छा, उसका वेट करेगा, थोड़ी देर तक वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का कि यार उसकी तरफ से जवाब आ जाएगा यस आई एम अप, नहीं आएगा उसको फिर भेजेगा आर यू अप। इस तरह उसमें ना हमने प्रोटोकॉल में, उस हार्ट बीट प्रोटोकॉल में लिखा होगा कि हमने एक बार करना है, तीन बार करना है, तो जब ये तीन बार उसको मैसेज भेजेगा आर यू अप या तीन मिनट तक उसकी तरफ से आई एम अप का मैसेज नहीं आएगा, तो ये सोच लेगा कि यार इसका मतलब है कि जो मेरी साइट बी है वो डाउन हो गई है किसी वजह से। अब ये नहीं पता कि वो अभी ये नहीं पता इस लेवल पे कि वो साइट डाउन हुई है या उस साइट अप है लेकिन उसका लिंक डाउन हो गया है हमारे साथ जो नेटवर्क का लिंक है। अब ये फाइनलाइज करने के लिए कि क्या नेटवर्क के लिंक में मसला है या साइट का जो सर्वर है साइट बी का वो डाउन हो गया, उसके लिए हमारे सिस्टम ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि हमने उसका अल्टरनेट नेटवर्क रूट रखा हो, तो हमारे जब मेन नेटवर्क रूट से हमें कम्युनिकेशन नहीं हो रही है वाली तीन मिनट गुजर गए जो भी हमने टाइम डिसाइड किया हुआ है तीन मैसेजेस का, तो हम क्या करेंगे कि अब हम अल्टरनेट रूट पे मैसेज भिजवाएंगे आर यू अप। अब अगर तो नेटवर्क का इशू था ना कि नेटवर्क का जो हमारा मेन लिंक था वो डाउन हुआ है, अब जब हम आर यू अप का जो चौथा मैसेज होगा उसको अल्टरनेट रूट से भिजवाएंगे तो वो सर्वर तक पहुंच जाएगा, जब वो सर्वर तक अल्टरनेट रूट से आर यू अप का मैसेज पहुंचेगा तो उस सर्वर को भी पता चल जाएगा यार इसका मतलब है कि वो जो मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैसेज भिजवा रहा हूँ आई एम अप का वो किस उस दूसरी साइट तक नहीं पहुंच रहा।
इसलिए उसने मुझे मैसेज भिजवाया आर यू आपका, और चूंकि ये जो मैसेज आर यू आपका आया ये ऑल्टरनेट रूट पे आया, तो इसका मतलब है कि हमारा मेन रूट फारिग हो चुका है, तो उसका रिप्लाई भी आपको ऑल्टरनेट रूट से रिप्लाई भिजवा देगा कि यस आई एम अप। तो अब ये दोनों समझ जाएंगे कि हमारा जो मेन लिंक था वो फारिग हुआ हुआ है, अब हमने जो भी कम्युनिकेशन करनी है वो अपने ऑल्टरनेट लिंक से करनी होगी, ठीक है। और अगर हम सपोज करते हैं दूसरा सिनेरियो कि हमारा हमारा जो बी सर्वर था नेटवर्क ठीक था, लेकिन वो बी सर्वर ही डाउन हुआ हुआ था, नेटवर्क ठीक था, तो अब क्या हो रहा है कि हम पहले मेन से तीन बार हमने मैसेज भिजवाया आर यू अप आर यू अप आर यू अप का, तो मैसेज तो नेटवर्क पे चला गया बट आगे सर्वर डाउन था, तो जाहिर है उसकी रिप्लाई नहीं आया। अब जब हमने ऑल्टरनेट वाले पे मैसेज भिजवाया कि आर यू अप, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। ऑल्टरनेट पे भिजवाया आर यू अप, नहीं आया। फिर जब तीसरी बार भी हमने ऑल्टरनेट रूट में भी भिजवाया कि आर यू अप, और सर्वर का रिप्लाई नहीं आ रहा, अब हमारा जो सर्वर मेन वाला है वो एज्यूम कर लेगा कि जो मेरा सर्वर बी था वो सर्वर डाउन हो गया, नेटवर्क ठीक है क्योंकि मैंने इसको मेन लिंक से भी भिजवाया है और ऑल्टरनेट लिंक से भी भिजवाया है कि आर यू अप, लेकिन उससे रिप्लाई नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि अब सर्वर के अंदर कोई मसला है, मेरा सर्वर डाउन हुआ है, तो अब वो अपने आप को कंसिडर कर लेगा कि मेरे पास अब सर्वर अवेलेबल नहीं है। जबकि पहले वाले केस में अगर उसको ऑल्टरनेट रूट से मैसेज मिल जाता है कि आई एम आपका, तो अब ये समझ जाएगा कि जो मेरी जो मेन नेटवर्क की नोड है, मेन वाली लाइन, वो खराब हो गई है, सर्वर मेरा अप एंड रनिंग है। उसके बाद वो दो काम करेगा, एक तो ये कि अपनी कम्युनिकेशन का लोड सारा ऑल्टरनेट लाइन पे या ऑल्टरनेट रूट पे शिफ्ट कर लेगा, और साथ ही इसी एडमिनिस्ट्रेटर को ये प्रॉम्प्ट भी दे देगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को या जो भी आपके जो सिस्टम के ऑपरेटर हैं, कि वो जो मेरी नेटवर्क की नोड है वो फारिग हो गई है मेन वाली, ठीक है। तो ये सारे काम जो है ना फेलियर डिटेक्शन के अंदर आते हैं, ये वाली चीज़ जो है, ये जो भी हमने डिस्कस की अप एंड डाउन वाली लिंक्स वाली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई। अच्छा, जब वो डिटरमिन कर लेगा कि यार ये इशू हो गया है, तो ये ऑपरेटर को बताएगा कि यार मेरा नेटवर्क या मेरा ऑल्टरनेट सर्वर जो था सर्वर नंबर बी वो फारिग हो गया। उसके बाद वो इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है बाकी मेंबर्स सिस्टम के, ताकि वो भी ये काम ना करते रहे कि पहले तीन बार उसको भेजें आर यू अप आर यू अप, फिर दूसरी तरफ से तीन बार भेजें आर यू अप आर यू अप। उनको इस वाले सर्वर ने चूंकि सारे काम कर लिए, डिटेक्ट कर लिए, इंश्योर कर लिया कि यार सर्वर बी डाउन हो गया या नेटवर्क की नोड डाउन हो गई है, तो ये नंबर एक तो ये कि ब्रॉडकास्ट कर दे मैसेज बाकी पार्टिसिपेंट ऑफ द सिस्टम को, उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को, ताकि सबको पता चल जाए कि यार फलाना वाला जो सर्वर है इस वक्त अवेलेबल नहीं है या फलानी वाली नोड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपका लिंक खराब हुआ हुआ है, तो आप दूसरी वाली साइट के सर्वर को ब्रॉडकास्ट कर दें कि भाई तुमने ये वाला लिंक यूज नहीं करना, ये वाला लिंक इस वक्त काम नहीं कर रहा, तो कोई भी जो हमारे बाकी कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, वो इस लिंक नंबर ए को या मेन वाले लिंक को भी यूज ना करें, मेन वाला लिंक डाउन है, ताकि वो लोग उस गलती में पढ़ने के बजाय फौरन से अवेयर हो जाए कि अच्छा ये वाला लिंक डाउन है, और अपनी सारी कम्युनिकेशन को ऑल्टरनेट लिंक्स के ऊपर अवेलेबल करवा ले। फिर अगली चीज़ है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि यूजर को ये इशू नहीं होना चाहिए कि यार मेरा सिस्टम कहाँ चल रहा है, मेरी फाइल कहाँ पड़ी हुई है, मेरा सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है, कौन से डेटा सेंटर में पड़ा हुआ है क्लाउड के। वो बस कहे कि मुझे काम करके दो, उसको वो काम हुआ मिल जाए, क्योंकि उस यूजर का कंसर्न है काम होना चाहिए, वो इंटरनली वो सिस्टम कहाँ पड़ा हुआ है। ये हेडेक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के डिजाइनर का, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऑपरेटर का, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर का, एंड यूजर का नहीं है। आपने जीमेल में ईमेल रखी हुई है, तो आपको कंसर्न नहीं है कि मुझे जीमेल की ईमेल खुल जाए, उसका डाटा नजर आ जाए। वो जीमेल के पाकिस्तान के सर्वर में पड़ा हुआ है, जीमेल के अमेरिका के सर्वर में पड़ा हुआ है, जीमेल के यूके के सर्वर में पड़ा हुआ है, या जीमेल के स्विट्जरलैंड के सर्वर में पड़ा हुआ है, ये कंसर्न आपका नहीं है, जीमेल वालों का है। तो आपके लिए जीमेल ट्रांसपेरेंट है, आपके लिए जीमेल एक सर्वर है, लेकिन जीमेल की पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स होते हैं, और वो अपने हिसाब से उनको देखता है कि यार कहाँ पे मैं रखूँ तो ज्यादा फीजेबल है, ठीक है, चीज़ों को। तो उसके हिसाब से मतलब लाइक पाकिस्तान के ट्रैफिक के लिए उन्होंने जीमेल का कोई खास सर्वर रखा होगा कि पाकिस्तान से जो जिसकी लेटेंसी कम हो। अब वो ये नहीं पता कि वो उसका पाकिस्तान के अंदर ही रख दिया हो, ये भी उसका वो पाकिस्तान के करीब सिंगापुर में कहीं रख दिया हो। तो ये हमारे लिए ट्रांसपेरेंट है, हमें नहीं पता कि हमारी मेल इस वक्त जीमेल के कौन से वाले सर्वर की कौन सी वाली डिस्क पे पड़ी हुई है। तो हमारे लिए ट्रांसपेरेंसी वाला काम मायने नहीं रखता एंड यूजर के लिए, लेकिन डिजाइनर के लिए मायने रखता है कि एंड यूजर के लिए आपने ट्रांसपेरेंसी अपने सिस्टम में लेके आनी है। स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। स्केलेबिलिटी क्या करती है कि अगर आपके सिस्टम का जो लोड है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपका सिस्टम अपने आप को अपने रिसोर्सेज को इनहेंस कर ले, ताकि अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हुई है तो आपका सिस्टम ग्रेसफुली सर्विसेज दे सके, ठीक है। जो जो आपका लोड बढ़ रहा है यूजर का या कंप्यूटेशन का, तो आप उसके लिए या तो और मतलब आपके ऑटोमेटिक सर्वर हों जो कि वैसे ऑफ पड़े होंगे, ऑन हो तो बिजली खा रहे होंगे, हीट जनरेट कर रहे होंगे और कॉस्ट भी बढ़ी होगी,
तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी फिलहाल 2 सर्वर ऑन किए हुए, 6 सर्वर में से बाकी 4 ऑफ हैं क्योंकि अभी लोड नहीं है। जो ही आप देखते हैं लोड इंक्रीज हो रहा है यूजर्स का, तो आप एक सर्वर और ऑन कर लेते हैं, फिर देखते हैं यार अब और ज्यादा लोड इंक्रीज हो गया तो आप चौथा सर्वर भी ऑन कर लेते हैं, भी आपके पास 2 सर्वर ऑफ पड़े हुए हैं, तो आप एक खास कैपेसिटी तक जा सकते हैं, आपकी स्केलेबिलिटी की जो लिमिट है वो भी अचीव नहीं हुई, आपके पास 6 कंप्यूटर या 6 सर्वर लगे हुए हैं, तो आप हर वक्त 6 के 6 ऑन नहीं करेंगे। और जब आप देखते हैं कि यार 4 ऑन हुए हुए थे और सफिशियंटली लोड हैंडल हो रहा था, तो ठीक है आप 6 पे रुक जाएंगे, फिर आप देखेंगे अब रात हो रही है, ऐसा ऐसा यूजर डाउन हो रहे हैं, तो अब वो क्या करेंगे, आप एक सर्वर और डाउन कर देंगे, आपके पास 3 सर्वर एक्टिव रह गए, फिर आप देखेंगे और सर्विसेज यूजर लोड कम हो गया है, तो आप एक और सर्वर को डाउन कर लेंगे, तो अब आपके टोटल जो है 2 जो सर्वर्स हैं वो एक्टिव रह जाएंगे। तो इस तरह से ग्रेजुअली आप स्केलेबिलिटी स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं अपनी सर्विसेज को डिपेंडिंग अपॉन द यूजर लोड। या अगर आप फाइलें स्टोर करें, अगर आपका फाइल जिसमें आपकी ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट ये क्या है गूगल ड्राइव है, अब वो क्या करेगी कि वो जब आपने अपनी एक फाइल वहां पे फेंकी स्टोर की, तो वो सकता है उसको कंप्रेस कर ले। अब आप आपकी आपने तो फाइल वैसे रखी थी, अब उसको ड्राइव ने खुद से कंप्रेस कर लिया। कंप्रेस करने से ड्राइव को फायदा क्या हुआ कि उसके पास उसकी स्टोरेज स्पेस कम हो गई ना कंप्रेस होने के बाद, यानी आपकी 1 MB की फाइल थी, जब उसने उसको कंप्रेस करके रखा तो उसने 500 KB जगह ली, 1/2 MB जगह ली, तो अब वो आपकी ज्यादा फाइलें मैनेज कर सकेगा या ज्यादा यूजर्स की फाइलें वहां पे स्टोर रख सकेगा। जब आपने फाइल वापस मंगवाई तो उसने उसको डीकंप्रेस किया और आपको फाइल भिजवा दी, तो उसकी थोड़ी सी कंप्रेशन वाला काम ऐड हो गया गूगल ड्राइव के लिए, लेकिन उसकी वजह से उसकी कैपेसिटी इनहेंस हो गई। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप डुप्लीकेशन को कट ऑफ करें, एक होगी कंप्रेशन कर दें डेटा की ताकि आपकी कम जगह ले डेटा और आप ज्यादा डेटा स्टोर कर सकें। दूसरा तरीका ये है कि आप डुप्लीकेशन को रिमूव करते हैं। वो कैसे होगी, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने बिलाल को एक पिक्चर भेजी व्हाट्सएप पे, ठीक है, अब एक पिक्चर वो थी जो मैंने भेजी, तो वो गूगल सॉरी व्हाट्सएप के सर्वर पे गई मेरे अकाउंट के थ्रू, और फिर वो जाके डिलीवर कहाँ पे हुई, बिलाल के कंप्यूटर में या बिलाल के व्हाट्सएप के बॉक्स में। अब व्हाट्सएप इसकी 2 कॉपियां नहीं बनाएगा, अपने पास वो एक ही कॉपी रखेगा, उसका एक लिंक मेरे पास आ रहा होगा, एक लिंक बिलाल के पास आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल बिलाल उसको आगे बाकी 4 को भी फॉरवर्ड कर देता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स और को फॉरवर्ड कर देता है। अब क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा कि अब उसकी 4 और कॉपियां बन के 4 के बॉक्स में चली जाएंगी, नहीं, वो एक ही फाइल का जो मैंने भेजी हुई थी और जो बिलाल को मिली हुई थी उसी के 4 लिंक और जनरेट होंगे, वो 4 के आप 4 स्टूडेंट्स के वो बॉक्सेस में व्हाट्सएप के पहुंच जाएंगे इनबॉक्सेस में, ठीक है। वो आगे अपने पूरे पूरे बाकी 10-10 कोलीग्स को भेज देते हैं, 40 लोगों को वो 4 बंदों ने भेज दी, तो उन 40 के पास भी सिर्फ लिंक जा रहा होगा, पीछे एंड में फाइल एक ही पड़ी होगी उनके सर्वर पे, तो ये डीडुप्लीकेशन को रिमूव कर दिया। तो अगर मेरी फाइल 1 MB की थी तो अगर वो सबके पास जाती तो 40-50 MB का लोड इकट्ठा हो जाता, तो 40-50 MB जगह एक ही फाइल ले रही होती, लेकिन व्हाट्सएप ऐसा नहीं करेगा, व्हाट्सएप डीडुप्लीकेशन को रिमूव कर देगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि अब आपकी एक ही फाइल है जो कि 40 लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं एक ही फाइल को, तो आपकी 49 MB जगह समझ ले आपने स्टोर करवा ली, ठीक है। इस काम के लिए फिर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स यूज होते हैं जो जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि आपके वो इस तरह के मामलात को वो जो है आसानी मैनेज कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं और मतलब ये सारे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 1 मिनट रह गया, तो अभी हम इसको एंड करते हैं, अभी 6:40 हो रहे हैं, 5 मिनट की हम ब्रेक लेंगे और 5 मिनट के बाद 6:45-46 के ऊपर हम सेशन को यहीं से आगाज करेंगे और होपफुली फिर वो जो है हमारा आखिरी सेशन होगा, उम्मीद है, ठीक है। और आप लोगों के पेपर्स भी था फाइनल, उसके बारे में भी डिस्कशन है, वो भी इस वाले सेशन के एंड में होगी, तो आप लोग ना 6:45 के बाद ज्वाइन कर लें, मैसेज भेज दूंगा 6:45 के बाद ग्रुप के ऊपर नया लिंक के साथ, तो वहां से फिर आप जो है हम यहीं से मतलब आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिर अभी ज्वाइन करते हैं 6:45 के बाद, जब मैं लिंक भेजूंगा उसमें। ओके।